हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप वो सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपके पार्टनर आपसे इस वक्त क्या बात करना चाहते हैं, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। बहुत ज़्यादा तकलीफ में है आपके पार्टनर, मतलब जीते जी जल रहे हैं। पर्सन अगर जलता है तो उसको कितनी तकलीफ होती है, मतलब कि आग अगर उसको लगती है तो ये तकलीफ इस वक्त झेल रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ पर भी है बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हैं और आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि दुआओं में मांग रहे हैं भगवान से। इनको पता है कि आपके बिना ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, जी नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा मतलब कि सैड एनर्जीज में है, बीमार भी हो सकते हैं, जो कि जी यंग एनर्जीज में, मतलब यंग है लेकिन बुढ़ापे की एनर्जी इस वक्त फील कर रहे हैं। ये समझ चुके हैं आपके इस रिश्ते के कनेक्शन को कि अगर इनको अच्छे से कॉन्फिडेंसली लाइफ जीनी है, हेल्दी लाइफ जीनी है और प्यार के साथ जीनी है, तो इनको आपके पास ही आना होगा और आप ही इनकी ज़िंदगी में होने चाहिए, आप ही इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो। ये इनको अब समझ में आया है डिस्टेंस देने के बाद, दूरियां आने के बाद। तो ये इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके इस रिश्ते को दिल से समझ चुके हैं। पहले आपको लेके बहुत ज़्यादा मतलब कि इस तरह से समझते थे कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, जो आपको चाहिए बस वही करोगे और अगर आपकी बातें नहीं मानी जाए तो आप इनके बारे में जैसे कि बात भी नहीं करोगे, ऊपर से बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे, उल्टी सीधी बातें करोगे, ऐसी इनकी बहुत ज़्यादा सोच थी। तो वह इसी तरह से सोच रहे कि नहीं, ये आपकी ये सारी बातें आप समझने लगे कि आप ऐसे क्यों बातें करते थे, क्यों इनके ऊपर इतना गुस्सा करते थे। आपका प्यार उसके अंदर छुपा हुआ था, ये हमेशा आपको बोलते थे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है, तो आपके बचपने को इस वक्त समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको बता रहे कि हाँ, तेरा बचपना अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तू मुझे भले कितनी ही गलत सलत बातें बोले, तेरा प्यार ही उसमें छुपा हुआ है, मुझे पता है। मैंने तुझे बहुत ज़्यादा पागल बनाया था, बहुत ज़्यादा तेरे इमोशंस का मजाक उड़ाया था और जैसे कि दिखाया था कि मैं तो एकदम हैप्पी हूँ तेरे बिना, लेकिन मेरी बात समझ ले, मैं मर रहा हूँ तेरे बिना, मैं नहीं खुश रह सकता, मैं समझ चुका हूँ। अगर तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू नहीं तो मेरी ज़िंदगी नहीं, मैं बहुत जल्दी तेरे पास आ रहा हूँ। ट्रैवलिंग का कार्ड है यहाँ पे, आपके पास ट्रैवलिंग करके आना चाहते हैं। अगर आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं तो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, अलग सिटी में रहते हैं तो वहाँ से आएंगे, और जैसे कि आप पास में रहते हो तो आप इनकी तरफ से बहुत जल्दी कॉल मैसेज देख पाओगे। ये आपको यही बताना चाहते हैं कि इनको आपकी इस रिलेशनशिप की रियलिटी समझ में आ चुकी है, इस बात को समझ चुके हैं कि आपका रियूनियन अगर नहीं होता है ना तो ये ज़िंदगी में कभी भी हैप्पी नहीं जी सकते। ये आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में हैप्पी देख पा रहे हो, खुश देख पा रहे हो, स्माइल पार्टी सेलिब्रेशंस करते हुए देख पा रहे हो, किसी के साथ मतलब कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी उसके साथ एंजॉयमेंट करते हुए देख पा रहे हो, तो ये सब झूठ है, झूठा दिखावा है दुनियादारी के लिए। ये आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर तू ऐसा कुछ देखती है और अगर तुझे कुछ जलन होती है तो मत जल, क्योंकि तुझे क्या लगता है मैं वहाँ पे खुश हूँ, नहीं, मैं बहुत ज़्यादा रोता हूँ तेरे बारे में, सोच सोच के परेशान रहता हूँ, लेकिन दुनिया के सामने मुझे ऐसा दिखावा करना पड़ता है। लेकिन तू है कि बहुत ज़्यादा गलत सलत सोचने लगती है, तुझे लगता है कि मैं धोखेबाज हूँ और वहाँ पर मैं खुश रह रहा हूँ, नहीं है, मुझे ऐसा रहना पड़ता है, लेकिन दिल से मैं कितना सैड हूँ, कितना रोता हूँ, ये सिर्फ मुझे पता है, और काश तुझे ये फील होता तो कितना अच्छा होता। आपको भी ये फील होता है, आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं, ये आपसे कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते, और आपका प्यार इतना कमज़ोर नहीं था कि आपके पार्टनर इजीली किसी और से प्यार करने लगे, लेकिन फिर भी इनको हैप्पी देख के आपको तकलीफ़ होती है। इसी वजह से आपके पार्टनर आपको इस वक्त यही कहना चाहते हैं कि आप ऐसा मत सोचें, या आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनको हैप्पी देख के आपको कि आपको बिल्कुल भी जलना नहीं है, आप पॉजिटिव रहो। और आपका जो दिल कह रहा है ना कि नहीं, मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं हो सकता, इस बात के ऊपर आप भरोसा करो। यूनिवर्स भी आपको यही बता रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपको यही बता रहे हैं कि ये आपके पास बहुत जल्दी आएंगे और सब कुछ ठीक करेंगे, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे। आपको इस बात के ऊपर भरोसा करना है,
आपको इसको करना क्या चाहिए। हम यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं। ट्रू मैसेज यूनिवर्स, इनके पार्टनर इनसे इतना प्यार करते हैं तो आते क्यों नहीं हैं, इतना डिले, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मेरे यूनिवर्स इंतज़ार कर रहे हैं, इनकी तरफ से कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना दिखावा कर रहे हैं, क्यों अपने आप को इतना कंट्रोल कर रहे हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है इनकी। एग्जॉशन का कार्ड है यहाँ पे, ये सिर्फ फाइट कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं लेकिन जब जब आने के बारे में सोचते हैं ना तो आपके बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं। हो सकता है कि पास में आपने इनको इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया है कि इनको आपसे प्यार, आपके प्यार से डर लगने लगा था, तो इनको लगता है कि अगर फिर से आपके साथ कॉन्टैक्ट में आ जाओ तो पता नहीं आप क्या करोगे, मतलब आप इजीली इनको छोड़ नहीं पाते हो, ये इनको पता है। आपने बहुत ज़्यादा रोया था, बहुत ज़्यादा इनको गलत सलत बोला था, गालियाँ दी थी, तो ये एनर्जी इनको बार बार याद आती है कि आपने क्या किया था जब इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था। तो फिर से आपके पास आएंगे, फिर से रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम चला जाएगा, और अगर ये फिर से आपको मतलब डिस्टेंस देना स्टार्ट करते हैं, अपने फैमिली की तरफ फोकस करना स्टार्ट करते हैं, तो आप पहले से फिर से जैसे कुछ गलत सलत करोगे, मतलब कि इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाओगे पहले जैसे, और अगर ये आपको टाइम नहीं दे पाए तो आप फिर से लड़ाई झगड़े शुरू कर दोगे, और हो सकता है कि डायरेक्टली आप इनके घर पे जाके कुछ मतलब कि बताने की कोशिश करो कि ये मेरा पार्टनर है, सिर्फ मेरा है, और जो कि हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, कौन है ये, कैसी पर्सन है, थर्ड पार्टी मुझे नहीं अच्छी लगती, भले लड़का हो लड़की हो कोई भी हो आपको पता, लेकिन आप ऐसा कुछ कर सकते हो इनकी मैरिड लाइफ। अगर इन्होंने शादी करी है किसी से तो आप वो शादी डिस्टर्ब कर सकते हो, इनको इस बात का डर लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, ये प्यार करते हैं लेकिन अपने फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके प्यार से डरते हैं, इसी वजह से कभी दिल करता है जाओ, कभी दिल करता है नहीं जाओ, और फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो के रुक जाते हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, परेशान रहते हैं, और जो कि आपके पास नहीं आके खुद भी हैप्पी नहीं है, जो कि एक्शन लेते टाइम इसी वजह से रुक जाते हैं कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा दिल से और ट्रू लव करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो, इनको अच्छे से पता है। आप गिल्ट में मत रहो, आप ये मत सोचो कि काश मैं ऐसा नहीं करती, काश उस टाइम पे मैं उसको गलत सलत नहीं बोलती, इतना मतलब रोती नहीं, उसको कर्ज नहीं देती, उसको गालियाँ नहीं देती, और जब इसने मुझे मतलब कि धोखा दिया, चीट किया, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही उसको बोला, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपने आप को मत कोसो, ये सबको यही बता रही, गिल्ट में मत रहो किसी भी तरह के। अगर आपको लगता है कि आपके वजह से ये डिस्टेंस आया है तो अपने आप को कोसना बंद करो और अपने आप को लेके पॉजिटिव रहो, ठीक है। अगर आप खुद ही अपने बारे में इतना नेगेटिव रहोगे तो फिर यूनिवर्स आपके साथ कैसे कुछ अच्छा कर सकती है, ठीक है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको इस बात के ऊपर भरोसा करना है कि आपका ये रिश्ता स्टार्ट होगा, न्यू विजन है, आपके पार्टनर जिनके भी पास है वो जब जब आपको कंपेयर करेंगे वो हमेशा आप ही को बेटर पाएंगे उनसे, वो जो भी थर्ड पार्टी वो उनको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, आज भी वो आप ही को बेटर मानते हैं, फ्यूचर में भी आप ही को बेटर मानेंगे उनसे। तो गिल्ट में ना रहो किसी भी चीज़ के। अगर इनको लगता है कि आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है तो हो जाओ प्रैक्टिकल, इनका अगर एक्शन आता है आपको तो ऐसे इमोशनली इतने अटैच मत हो जाना कि अगर ये फिर से छोड़ के चले जाएंगे तो आपको जान देने का दिल करे, तो ऐसा आपको फीलिंग्स बनाना ही नहीं। इस बार आपको लेसन लेना है, जो भी इस आपको लेसन लेना है, जो डिस्टेंस आया है इस टाइम पीरियड में, आपने जो भी सीखा है ना, लेसन लो कि आपके पार्टनर कैसा बिहेवियर करते हैं, किस टाइम पर क्या कुछ कर सकते हैं, और जो कि आपको क्या कुछ तकलीफ कब हो सकती है, ये आपको सीखना होगा और सोच समझ के आपको कदम बढ़ाने होंगे रिश्ते में, ठीक है। गिल्ट में मत रहो, अपने आप को कोसना बंद करो, आपका रिश्ता फ्यूचर में डेफिनेटली स्टार्ट होगा, न्यू विजन है, सब कुछ नया होगा आपके इस रिश्ते में, ठीक है। बस यही है रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है स्क्रीन पे दिया नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।